हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड T20 में होने वाले 12वें मुकाबले के बारे में, जो कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच खेला जाएगा। बात करेंगे दोनों ही टीमों की टीम न्यूज और क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, और क्या हो सकते हैं इन दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स, और क्या हो सकती है ड्रीम 11 के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, और बनाएंगे उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी ड्रीम इलेवन की एक टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात कर लेते हैं मैच की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप यहां से मैच का पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और यहां से आप वेन्यू डिटेल देख सकते हैं। यह मैच सेंट लुसिया में खेला जाएगा, डेरन सामी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की, तो फिलहाल दोनों ही टीमों की तरफ से कोई टीम न्यूज़ नहीं है। अगर जैसे ही कोई टीम न्यूज़ आती है तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं डेडलाइन से पहले। तो आप एक बार ज़रूर ही कमेंट सेक्शन आके चेक करें डेडलाइन से पहले। जैसे ही कोई टीम न्यूज़ आती है तो मैं टीम न्यूज़ दे दूँगा। बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, तो वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से स्टीफन टेलर, काइका नाइट, सेमेना कैम्पेबले, टेंडरा डोटिन, अनीसा मोहम्मद, नताशा मैकलिन, सकेरा सिलेमान, सामिलिया कोनेल, ब्रिटनी कोपर, एफ ए फ्लेचर, हाइलेस मैथ्यू। आपको ये वुमेन्स वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। और बात करें तो साउथ अफ्रीकन वुमेन की, दाना बैन निरेक, लैजा ली, मेगानो डुप्रीज, मार्जेने कैप, सेबनम इस्लाम, चोले ट्रोन, सुने लूज, मोसलिन डेनियल्स, मस्ताबा क्लास, लोरा वेल्ब्रोट, टूमी सेखालुने, ये आपको साउथ अफ्रीकन वुमेन की तरफ से खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। अगर मुझसे किसी की भी नाम लेने में गलती हुई होगी तो प्लीज़ इसके लिए क्षमा करिए। बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स की, तो वेस्ट इंडीज़ की वुमेन की तरफ से की प्लेयर हो सकते हैं स्टीफन ट्रेलर, काइका नाइट, डेंड्रा डोटिन और नताशा मैकलेन। एक की प्लेयर हो सकती है वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकन वुमेन की तरफ से क्या हो सकती की प्लेयर्स, तो डाना बिनरेक, लाइजा ली, कैप, वाल्ब्रोट, ये हो सकती है वेस्ट साउथ अफ्रीकन वुमेन की तरफ से की प्लेयर्स। वही बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की, तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चॉइस में आपको लेजर ली, स्टेफन टेलर और लोड्रा वेनरोट, ये हो सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस। हालांकि ग्रैंड लीग में आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या होगी ग्रैंड लीग की टीम हमारी इस मैच के लिए, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या होगी ग्रैंड लीग की टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। यहाँ से मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में लेजर ली को पिक किया हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल ही काइका नाइट्स के साथ जा सकते हैं। ये मुकाबला नहीं खेलेंगे मैडिसा फै, ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल ही इन दोनों में ही से किसी एक के साथ जाएं जो कि आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, आप उन्हीं के साथ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेजर ली को पिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके साथ 55% लोग गए हैं। आप बिल्कुल ही काइका नाइट के साथ जा सकते हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से पिछले मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था काइका नाइट ने, तो आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वहीं लेजर ली का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में कुछ अच्छा नहीं रहा था, हो सकता है इस मुकाबले में ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाए। आप बिल्कुल ही इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं, दोनों ही आपके लिए सेफ ऑप्शन है। बाकी ये दोनों मैच नहीं खेलेंगे तो इन्हें पिक करने की गलती ना करें। वही बात कर लेते हैं बैट्समैन में, तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ से लूरा वाल्ब्रोट और डुप्रीज और नताशा मैकलेन को पिक किया है वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से। आपके लिए सेफ ऑप्शन की बात करें तो आप यहां से चोले ट्रोन के साथ जा सकते हैं, ये भी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएगी साउथ अफ्रीकन वुमेन की तरफ से। वहीं आप यहां से कैम्पेबले के साथ भी बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है। वहीं बात कर लेते हैं और सेफ ऑप्शन की, तो यहाँ से आप कूपर के साथ जा सकते हैं, तो आप इन बैट्समैन में से किसी एक के साथ जा सकती हैं, पर मैंने यहाँ से इन तीनों का पिक किया है। आप चाहे तो किसी और के साथ जा सकते हैं। वही बात कर ले तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ से स्टीफन टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन की तरफ से काफ़ी शानदार ऑलराउंडर है,
और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और डेंड्रा डोटिन जो कि पिछले मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था और काफ़ी अच्छे लय में भी नज़र आ रही है, तो इसलिए मैंने इन्हें अपनी टीम में रखा। ऐसे कैप को भी अपनी टीम में रखा जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है साउथ अफ्रीकन वोमेन की तरफ से। आप बिल्कुल यहाँ से चाहें तो जा सकते हैं बेन नेरिक के साथ, यहाँ पे हेली मैथ्यूज भी है आपके लिए, दोनों ही सभी आपके पास सेफ ऑप्शन है, तो आप इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आप अधिकतर T20 में आप यहाँ से तीन ऑलराउंडर तो लेके ही चलिएगा। और वही बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पे ईसा मेल को अपनी टीम में पिक किया है, एफ ए फ्लेचर को अपनी टीम में पिक किया, वहीं सकारा सलेमान को अपनी टीम में पिक किया, और एक मैंने बॉलर यहाँ साउथ अफ्रीकन वोमेन की तरफ से क्लास को पिक किया, मसबाता क्लास को। आप चाहें तो यहाँ से आपके लिए सेफ ऑप्शन है, आप किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ से अनिसा मोहम्मद के साथ जा सकते हैं, सलेमा कोनकेल के साथ जा सकते हैं, वहीं आप चाहें तो यहाँ से डेनियल्स के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अभी आपको आपका आज का मुकाबला खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। मैं बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस की, तो कैप्टन के लिए मैंने यहाँ से लेजी ली को पिक किया जो कि आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगी साउथ अफ्रीकन वोमेन की तरफ से, और आपको विकेट कीपिंग में भी पॉइंट्स दिला देंगे। हालांकि इनका प्रदर्शन पिछले मुकाबले में कुछ अच्छा नहीं रहा था, तो उम्मीद है इस मुकाबले में कुछ अच्छा करेंगी। हालांकि आप और कैप्टन की चॉइस की बात करें तो आप यहाँ से बिल्कुल इनके साथ डुप्रीज के साथ जा सकते हैं, स्टीफन टेलर जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, या आप चाहें तो यहाँ से कैप्टन के लिए डॉटिन को कैप्टन और मैरे कैप को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, स्टीफन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर आप बॉलिंग में बनाना चाहें तो बिल्कुल ईसा मेल साउथ अफ्रीकन वोमेन की तरफ से वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं, वहीं वेस्ट इंडीज़ वोमेन की तरफ से ग्रेस एलमान के साथ वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। पर मैंने यहाँ से कैप्टन के लिए लेजर ली को अपनी टीम में पिक किया और वाइस कैप्टन के लिए डॉटिन को अपनी टीम में पिक किया। आप बिल्कुल ही इन सब में से किसी के साथ जा सकते हैं और अपने अनुसार टीम में चेंजेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रीव्यू की, तो देख सकते हैं आप ये से प्रीव्यू, तो ये हमारी टीम रहेगी इस मुकाबले के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।